सब आप 21 दिन के लिए होम बाउंड रहेंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा अपने लाइव में भी कि मैं अब रोज आपके लिए लाइव योगा क्लासेस करूंगी। बहुत जरूरी है कि योगा के जरिए हम अपने दिमाग को थोड़ा सा स्थिर करें, शांत करें। और घर में ऐसे ऐसे मीम्स बन रहे हैं कि बिग बॉस की तरह अब घर में सब लोग एक साथ बंद हैं, तो बहुत सारे झगड़े होने वाले हैं, बहुत सारी फाइट्स होने वाली हैं। मैं ये सोच रही थी कि सबसे आसान तरीका है अपने दिमाग को काम करने का, जो मैं आते जाते करती रहती हूँ, वो है हेड स्टैंड। अभी मैं सुबह से मैंने लाइव किया, उसके बाद मैंने घर के काम किए, उसके बाद मैं अपने बच्चों के साथ बैठी हूँ, अपना और सारा ऑनलाइन का काम करने के लिए, सोशल मीडिया का काम करने के लिए मैंने अभी तक स्नान भी नहीं किया है। मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को के लिए एक्सटेंड करती हूँ एक हेड स्टैंड चैलेंज। हेड स्टैंड एक ऐसा इन्वर्जन है जिसको आप करेंगे तो आपका जो पूरा नर्वस सिस्टम है वो काम होगा, और आपके जो थॉट्स हैं, जो विचार हैं, वो बहुत ही पॉजिटिव होंगे और बहुत ही अच्छा आपको महसूस करेगा। स्पेशली आज मुझे सुबह से हेडेक था, तो मैंने सोचा कि हेड स्टैंड क्यों ना करूं, जिससे कि ब्लड फ्लो रिडायरेक्ट हो मेरे ब्रेन की तरफ। एंड ट्रस्ट मी, मैंने अभी करा है तो मुझे ये आइडिया आया कि मैं आपके लिए ये वीडियो बनाऊं। बहुत ही इंस्टेंट काम फीलिंग आती है अगर आप हेड स्टैंड प्रैक्टिस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हेड स्टैंड। और चैलेंज ये है कि आप लोग मुझे अपने स्टोरीज में टैग करें, शेयर करें कि आपको हेड स्टैंड करके कैसा महसूस होता है और आप हेड स्टैंड कितनी देर के लिए होल्ड करते हैं। तो मैं इस साइड से आपको करके दिखाती हूँ। अपने हाथों को इस तरह से फोल्ड करना है, इंटरलेस करेंगे, एल्बोज आपके शोल्डर्स के एकदम डायरेक्टली नीचे, स्कैल्प को फ्लोर पे प्लेस करें, नीज ऑन द फ्लोर, टोज पर आए, वॉक फॉरवर्ड करें। और उसके बाद एक नी जाएगा आपके चेस्ट पे, फिर दूसरा नी जाएगा आपके चेस्ट पे। उसके बाद पहले यहां बैलेंस करें, जब यहां पे आपका बैलेंस स्ट्रांग हो जाए, फाउंडेशन बहुत जरूरी है। लेट मी फेस यू गाइस, यहाँ पे बैलेंस स्ट्रांग होने के बाद आप इस तरह से पूरे अपने लेग्स को ऊपर एक्सटेंड करें एंड टोज को पॉइंटेड करें सीलिंग की तरफ इस तरह से, और ब्रीथ करते रहें नॉर्मली। बहुत ही पावरफुल मेडिटेटिव प्रैक्टिस होती है इन्वर्जन की। इन्वर्जन आप एवरी डे अगर प्रैक्टिस करेंगे, यू विल सी दैट इट हैज मिरेकल बेनिफिट्स ऑन योर इंटायर बॉडी, योर हार्ट हेल्थ एंड योर ओवरऑल वेलबींग। और आजकल के टाइम पे जब हम कंप्लीटली सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो एक दूसरे से झगड़ा ना करके अगर हम सिर्फ अपने मन को, अपने ब्रेन को शांत करें, तो वो बहुत ही जरूरी है। सो कीप ब्रीदिंग। कीप पॉइंटिंग योर टोज, स्क्वीजिंग योर हिप्स, कोर इज टोटली एंगेज्ड, शोल्डर स्ट्रांग। फील द ब्लड फ्लो रशिंग टुवर्ड्स योर ब्रेन, टुवर्ड्स योर हार्ट, गेटिंग कंप्लीटली ऑक्सीजनेटेड, क्लेंजिंग द होल बॉडी, होल माइंड, रेस्पिरेशन स्ट्रांग, स्ट्रांग इनहेलेशन, स्ट्रांग एक्सहेलेशन, रिदमिक ब्रीदिंग प्रैक्टिस करें, टोज को पॉइंटेड रखें, पूरी बॉडी इंगेज है एंड स्टे हियर। You can even lower down your legs to add some extra challenge at a 90 degree angle like this. Keep the toes pointed. Now the core is really working strong and hard to hold yourself up. And from here, go back and take the flight up once again. And to exit from हेड स्टैंड यानी कि शीर्षासन, अपने दोनों लेग्स को धीरे धीरे फ्लोर की तरफ
लेकर आए और इसके बाद बहुत जरूरी है कि आप थोड़ी देर के लिए बाल आसन में यानी कि चाइल्ड पोज में अपने बॉडी को विश्राम दें, एक या दो ब्रेथ के लिए या 5 to 10 ब्रेथ के लिए यहाँ पर रेस्ट करें। Headstand stories with me. Don't forget to tag me, Garima Bhandari official, and follow my channel on YouTube. It's called Garima Bhandari. Bye.